दोस्तों पेट्रोल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं और आम आदमी का ये कहना है भाई मारो मुझे मारो मारो नहीं, मुझे नहीं, मारो नहीं, मारो। और इधर मोदी जी का रिप्लाई आता है, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो पेट्रोल के प्राइसेस क्यों बढ़े? हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोले, क्योंकि जब आप पेट्रोल खरीदते हो तो उस पे 150% का टैक्स देते हो। अच्छा बोले ऐसा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए पेट्रोल और डीजल का 2021 प्राइस चार्ट। गवर्नमेंट को पेट्रोल पंप तक पहुँचाने का कॉस्ट लगता है 27.74 रुपीज। उसके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल के ऊपर 32.98 रुपीज का टैक्स लगाती है। पेट्रोल पंप वाला लगभग 4 रुपए तक खा लेता है। फिर आपकी स्टेट गवर्नमेंट छोटा ना महसूस करे इसलिए वो भी टोटल पेट्रोल कॉस्ट का 30% तक ले लेती है। मतलब 28 रुपीस का पेट्रोल 150% से बढ़ के 84 रुपीस का हो गया और महाराष्ट्र में तो 100 रुपए तक क्रॉस कर चुका है। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। जब आम आदमी ने मोदी जी से पूछा, जी यही तो स्कैम है, इसकी जाँच कौन करेगा, कौन करेगा इसकी जाँच, हम गरीब कैसे जियेंगे, हमारे पास मोटी रकम नहीं है, तो मोदी जी का ये जवाब आया, एक गीत जिसके शब्द जिसके सुर जिसके स्वर कोटि कोटि हिंदुस्तानियों की रगों में दिलों में दिमाग में जगह बना। इट वॉज अ फैंटेस्टिक स्पीच, थैंक यू, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ह्यूमर। मोदी जी लगता है आपने स्टे एट होम को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। तो घर में ही बैठेंगे हम, चाय पियेंगे और खाएंगे। हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोले, चिकन लेग पीस, 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 चिकन लेग पीस। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? समझ गया मैं। मोदी जी बड़ा मजा आ रहा है आपको? वाह क्या शेर सुनाया। अगर आपको भी मजा आया तो हमें जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।